वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाए। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको ओम के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आइए जानते हैं। ओम की ध्वनि स्वयं में शाश्वत है, इसके बिना सारी सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। अगर मंत्रोच्चारण करते समय ओम की ध्वनि उच्चारित न की जाए तो मंत्रोच्चारण अधूरा ही रहता है। ओम में मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। इसका नाद सभी से अलग विशेष है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। ओम भगवान शिव का पर्याय है, इनका प्रतीक है। ओम की ध्वनि शांत भी है और तीव्र भी है। अगर शांत मन से ओम की ध्वनि को सुना जाए तो उसे सुनने पर आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसके लिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के सामर्थ्य बताया गया है। समस्त वेदों में ओम का व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी उस दिन भी केवल ओम की ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित होगा। ओम का उच्चारण तीन ध्वनियों को मिलाकर बना है। इसका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम अ उ म इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। यह तीनों अक्षर तीनों देवों से संबंधित है। अ आकार, उ ओंकार और म मकार है। अ ब्रह्मा का बोध कराने वाला है, तो वही उ पालनकर्ता श्रीहरि विष्णु का वाचक है। म रुद्र यानी शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय में, उ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालु मध्य में किया जाता है। ओम का महत्व शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओ उ और म तीनों अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। यह तीनों वेदों ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ तीनों लोकों का भी प्रतीक है। शास्त्रों में ओम की ध्वनि के शतम अर्थात 100 से भी अधिक अर्थ बताए गए हैं। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एक अक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण मोक्ष सभी का प्रतीक है। कैवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना, यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो ओम के नाद से सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है।
इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। यह ध्वनि सूक्ष्म से ज्यादा सूक्ष्म हो सकती है, तो वहीं यह विकराल से भी ज्यादा विकराल हो सकती है। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।